हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा का बालासोर असल में बालेश्वर शहर है। इसका नाम भगवान शिव के अंश बालेश्वर के नाम पर पड़ा, जो मुगलों के दौर में बदल दिया गया और अब वर्तमान समय में बालेश्वर को बालासोर के नाम से जाना जाता है। इस शहर के भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि बालासोर पहले कलिंग राज्य का हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल में भी कलिंग राज्य का जिक्र किया गया है। यहां सम्राट अशोक का भी शासन काल रह चुका है। भगवान शिव के नाम पर बसी इस नगरी का वर्तमान स्वरूप काफी बदल गया है, लेकिन मध्यकाल में इसे विशेष समुद्री शहर के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा के राज्य बनने से पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को जब ओडिशा राज्य का गठन हुआ तो इसे ओडिशा में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में बालासोर ओडिशा का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। ये शहर खास तौर पर अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसकी नक्काशी व वास्तुकला बेहद शानदार है। इसके अलावा यहाँ की लोक संस्कृति व पारंपरिक खान पान भी काफी प्रसिद्ध है। ये अपने आकर्षक समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है। बालासोर अपने दुर्गा पूजा के दौरान और मुहर्रम के दौरान खेले जाने वाले सबसे आकर्षक और मनोरंजन खेल अखाड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये शहर कुल 17.48 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जबकि इसकी वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 1,97,000 है। वहीं बालेश्वर शहर की औसत साक्षरता दर 88.09% है। बालेश्वर शहर का लिंगानुपात देखें तो यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 979 महिलाएं हैं। ये शहर एक हिंदू बहुल इलाका है, जहाँ 85% आबादी हिंदुओं की है। यहाँ अन्य धर्मों की बात करें तो 12% लोग मुसलमान हैं और बाकी लगभग 3% लोग बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ स्थानीय तौर पर उड़िया भाषा प्रचलित है, जो यहाँ के ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है। वहीं पर्यटक ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये शहर काफी खास है। बालासोर ने पिछले 2 दशकों में प्रभावशाली आर्थिक विकास देखा है। कृषि, उद्योग, मछली पालन और पर्यटन यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख आजीविका का साधन है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी नारियल, सुपारी, धान और चावल की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ज्यादातर लोग यहाँ खेती पर निर्भर हैं। वहीं यहाँ के उद्योग धातुओं, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर मिलों और टायरों से संबंधित हैं। इसके अलावा प्लास्टिक प्रसंस्करण, रबड़, ट्यूब और फिटिंग और बिस्कुट निर्माण की कंपनियां भी यहाँ स्थापित हैं। ये शहर मुख्य तौर पर चांदीपुर समुद्र तट के साथ साथ चांदीपुर में होने वाले विभिन्न प्रकार के मिसाइलों के परीक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्यटन के लिहाज से भी ये ऐतिहासिक शहर आपको खूब आनंदित कर सकता है। यहाँ आप प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पंचलिंगेश्वर घूम सकते हैं, जो अपने 5 शिवलिंग और ऊपर बहते छोटे झरने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ का चांदीपुर बीच भी पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। यहाँ का कुलदीही वन्य जीव अभयारण्य, तलसारी और आरडी वैतरणी नदी की सैर भी कर सकते हैं। अब घूमने की बात हो और जायका ना साथ हो तो भला कैसे मजा आएगा। बालासोर अपने पारंपरिक उड़िया खाने के साथ ही समुद्री खाने के स्वाद के लिए भी फेमस है। माचा घंटा, माचा बेसरा, चूना मच्छा खाता के साथ ही यहाँ गर्मा गर्म स्वादिष्ट रसगुल्ले बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ लोग खूबसूरत दृश्यों के साथ ही लजीज व्यंजनों का स्वाद जरूर लेते हैं। अब अगर आप भी इस खूबसूरत शहर के नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप यहां पहुंचने के लिए हवाई, रेल या सड़क मार्ग का अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। बालासोर का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए आपको कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की फ्लाइट लेनी पड़ेगी।
यहां से आप टैक्सी बुक करके आसानी से बालासोर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन से बहुत आसानी से यहां आ सकते हैं। बालासोर शहर का अपना रेलवे स्टेशन है जो इसे राज्य और देश के अन्य शहरों से जोड़ता है। सड़क मार्ग के जरिए आप यहां NH 16 और NH 18 के जरिए पहुंच सकते हैं, जो इस शहर को कई अन्य शहरों के सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।